नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ, कर्ण पिशाचिनी की साधना लेकर। काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर एक धारणा रहती है कि मुझे जो है वो माता के दर्शन करने हैं। कुछ लोग माता बना के, देवी बना के पूछते हैं। मैं आपको एक्चुअल में बताना चाहता हूँ, जो पिशाचिनी है उसको पिशाचिनी ही कहा जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ नियम होते हैं, नियमों के तहत ही आपको सिद्ध करनी पड़ती है। पब्लिक डिमांड पे ही ये साधना दे रहा हूँ कुछ लोगों को। मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग बोलते हैं मुझे भूतकाल देखना, भविष्यकाल देखना, वर्तमान देखना। देखो जनरली मैं आपको बता दूँ, इनका एक दायरा होता है, दायरे के अनुसार ही एट प्रेजेंट, यानी कि जिस प्रकार की सिचुएशन उसी प्रकार का उत्तर देते हैं जहाँ तक इनकी पहुँच होती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये सिद्धि करने के बाद हो सकता है कि मैं देवताओं के बारे में बता दूंगा, तो 100% किसी को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ऐसा काम इसके बस का नहीं है। जितना इनका दायरा है उस दायरे के अंदर रहते हुए ही ये आपको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी और किसी चीज़ के बारे में आपको ये बता सकती है, उसके बाहर नहीं चलती है। दूसरी बात, ये साधना करने का एक नियम रहता है, ठीक है। गुरु गोरखनाथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नया चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। डायरेक्टली सर्च करना गुरु गोरखनाथ चैनल और उसको सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही बढ़िया साधना आती है वहाँ पे, ठीक है। ये साधना पूर्ण रूप से मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मेरे से दीक्षा लेके करनी है तो साधना का चार्ज है, चार्ज अनुसार ही चलेगा। अदरवाइज ये फ्री में बता रहा हूँ, आप अपने रिस्क पे कर सकते हो साधना को। यह प्रयोग निरंतर आपको कम से कम संकल्प जो लेना है, आपको 21 दिन का पहला संकल्प लेना है। जिन्होंने गुरु बना रखे, जिनके गुरु ने नए सिरे से करेंगे, 1.25 महीने का संकल्प लेंगे। कांसे की थाली में संदूर ले लेना, आपने संदूर से आपने त्रिशूल बना देना। इसे त्रिशूल पे जो मंत्र बताऊंगा, ठीक है ना, उसी मंत्र का विधि पूर्वक आपको जो है पूर्ण रूप से आपको वो मंत्र रिटर्न में लिख देना है, यानी कि उसी मंत्र को आपको लिख देना है विधि पूर्वक, ठीक है। यही मंत्र लिख देना है आपको, और शुद्ध आपने जो है देसी घी का दीपक लगाना। दीपक आपने कौन सा रखना, कच्चा मिट्टी का दीपक रखना। उस दीपक में ही आपने जो है लौ लगा के, बत्ती लगा के पूर्ण रूप से जो है इनका स्वरूप का ध्यान करना है, यानी कि जो आपने मंत्र आगे रखा। कांसे की थाली में ही आपने जो है इनका त्रिशूल बना के वहीं पे मंत्र लिखे, वहीं पे करना, जो तो उसी के ऊपर रख के लगानी है। त्रिशूल बनाओगे, मंत्र लिखा, सेंटर पॉइंट में आपने दीपक रख देना है और आपने कर्म शुरू कर देना। और एक चीज़ का खास तौर पे आपने ध्यान रखना है, अगर गुरु बना रखा है तो ही साधना करना, ये एक छोटी सी गलती भी आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। एक समय का भोजन करना है, काले वस्त्र धारण करने हैं, इस किसी भी स्त्री से आपने बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। किसी स्त्री को आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मन कर्म वचन में शुद्धि रखनी है। मंत्र है ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अघोम सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरण अतीता गण वर्तमाननी दर्शने दर्शने मम भविष्य कथ्य कथ्य हरीम कर्म पिशाचिनी स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 11 माला देनी है। रात्रि काल में पूजा करनी है, एक टाइम ही पूजा करनी है। इस पूजा में आपको ये नहीं कि 10 बार करनी है। याद रखना, गुरुओं के सनिधि में करना, जल का पात्र पास में रखना है और गुरु के ही सनिधि में यह सारा कर्म करना है। अगर गुरु नहीं है तो जन कल्याण हेतु ही यहाँ पे प्रकाशित कर रहा हूँ ये मैं साधना, और अगर गुरु बना रखे हैं तो गुरु आज्ञा से करना। ये साधना मेरे सनिधि में करनी है। 9891952570 मेरा नंबर है। याद रखना, साधना के अनुसार चार्ज है। फुली रूप में शक्तिपात यंत्र लेकर अथवा माला लेकर आप करोगे तो काले हकीक की माला के ऊपर जप होना है इसका। जब मेरे से माला लेनी है तो माला के चार्जेस भी अलग बैठेंगे सिद्ध करा के। टोटल जो साधना का खर्चा हो आपको व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। मिनिमम आप लेके चलना 25 से 30 हज़ार का खर्चा आता है इस साधना में, ठीक है। और लास्ट वाले दिन आपको हवन डालने पड़ते हैं। हवनों में क्या सामग्री डालनी है वो आप लोग मेरे साथ कंसल्ट करके ही पता कर सकते हो।